नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चों को कोरोना के संक्रमण से कैसे बचाएं। कोरोना की दूसरी लहर में देश की स्थिति काफी बुरी है। हर दिन लाखों की संख्या में संक्रमित मिल रहे हैं और हजारों लोगों की मौत हो रही है। विशेषज्ञ कहते हैं कि इस बार का वायरस म्यूटेड है और यह बच्चों के लिए भी उतना ही खतरनाक है जितना कि बड़ों के लिए। यह काफ़ी संख्या में बच्चों को भी संक्रमित कर रहा है। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी इसको लेकर चिंता जताई थी। विशेषज्ञ कहते हैं कि पहले बच्चों में ज़्यादातर सर्दी खांसी और बुखार की शिकायत आती थी, लेकिन कोरोना की इस दूसरी लहर में और भी कई तरह के लक्षण दिखने लगे हैं। उनका मानना है कि इस बार कोरोना वायरस 11 साल से लेकर 17 साल के बच्चों को ज्यादा संक्रमित कर रहा है। बच्चों में कोरोना के क्या क्या लक्षण हैं? लंबे समय तक तेज बुखार रहना, दस्त लगना, उल्टी और पेट में दर्द होना, सूखी खांसी, हाथ पैरों में सूजन, मांसपेशियों में दर्द, त्वचा पर लाल चिकते पड़ जाना। बच्चों को कोरोना से कैसे बचाएं? बच्चों को कहीं भी घर के बाहर ना निकलने दें। उन्हें मास्क लगाने और हाथ को बार बार साबुन से धोते रहने को कहें। अगर आप माता पिता कहीं बाहर जा रहे हैं तो यह जरूरी है कि बच्चे से मिलने से पहले आप अपने कपड़े बदलें और संभव हो तो नहा लें, नहीं तो हाथ पैर और मुंह अच्छी तरह से धो लें। क्या बच्चों को व्यायाम या योगा कराना चाहिए? क्योंकि इस बार कोरोना वायरस सीधे फेफड़े पर हमला कर रहा है और उन्हें बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दे रहा है, जिससे सांस लेने में परेशानी होने लगती है और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। ऐसे में यह ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों से ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराएं ताकि उनके फेफड़े मजबूत बने और ऑक्सीजन लेवल सामान्य बना रहे। इसके लिए आप उन्हें गुब्बारा फुलाने को भी दे सकते हैं, इससे फेफड़ों में मजबूती आती है। बच्चों की डाइट पर क्या देना चाहिए? बच्चों में कोरोना संक्रमण का खतरा कम करने के लिए उन्हें रोजाना गुनगुना पानी पीने को दें और साथ ही रात में सोने से पहले उन्हें हल्दी वाला दूध पिलाएं, क्योंकि इससे वायरल संक्रमण से लड़ने में मदद मिलती है। उन्हें खट्टे फलों का सेवन करने को कहें, इससे इम्यूनिटी मजबूत होती है। साथ ही जितना हो सके हरी और ताजी सब्जियां खिलाएं।